आपने लिख दिया है तो मुझे पता है आप इस वीडियो से जुड़ चुके मोटिव से जुड़ चुके हैं कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मैं, ना अपना पूरा एनर्जी लगाऊंगा एंड सारी आदतें बेटर करके हर दिन एक इंप्रूवमेंट देखूंगा विथ दैट ऑल्सो इफ यू हैव स्टिल नॉट यूज दिस क्रेजी ऑफर बाय पीडब्ल्यू ऑन टीचर्स डे तो आपको इसके बारे में जरूर सुनना चाहिए क्लास इलेवेंथ के लिए भी खास करके ये है जो लोगों का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है उनके लिए भी एक नया बैच है चेक दिस आउट तो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए टीचर्स डे के मौके पर यह ऑफर जल्दी खत्म होने वाला है इन प्राइसेज पे आपको ये बैचेस फिर से नहीं मिलेंगे जल्दी से आप जाके इनको चेकआउट करो आपको अर्जुना लक्ष्य प्रयास जी थ्री पॉइंट और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी नाइन हंड्रेड थ्री थाउजेंड और थर्टी सेवन हंड्रेड रिस्पेक्टिवली में

मोर डिस्काउंट ऑन दीज बैचे तो जल्दी से जल्दी से जाओ और इसको यूज करो और इस ऑफर को मिस मत करो क्योंकि आज या कुछ दिन में बस ये ऑफर खत्म ही होने वाला है एंड दीज प्राइसिस आगे चलते हैं वीडियो में ओके okay, तो सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कब चालू करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक टॉपर एक आइडियल स्टूडेंट हमेशा साइड बाय साइड एंड इसीलिए चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पीवा की बुक्स आईआईटी .E. की मार्केट में हैं विच एवर सोर्स यू आर डूइंग डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज उसमें डिटेल्ड सोल्यूशन है एंड एज लॉन्ग एज वो आप साइड बाय साइड अपनी प्रेपरेशन के विजिट कर रहे हो आप जितनी भी प्रेपेरेशन कर लो आप जितनी भी पढ़ाई कर लो जितनी भी ग्रंथ पढ़ लो अगर आप मैप नहीं करोगे अगर आप देखोगे नहीं कि असली एग्जामिनेशन में कैसे टाइप के क्वेश्चन

उस, आ, स्कोर को एक्चुअली देखेंगे और क्योंकि हम इतनी मेहनत करते आ रहे होंगे हम उससे बूस्ट करते हैं फाइनल फ्यू डेज में ये एक छोटी सी टिप थी साइड पे बट आर रिसोर्स इट्स अ रियलिटी चेक एंड दे शुड बी स्टार्टेड साइड बाय साइड पॉइंट नंबर टू व्हाट इज द रिसोर्स यू हैव टू फॉलो पी वाई क्यूज की बहुत सारी रिसोर्सेज मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ओस वाल बुक्स एक है जो हम uh, कई बार रेकमेंड करते हैं uh, दिशा पब्लिकेशन की बुक भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मार्केट में एंड इफ नॉट दैट अगर आपको ऑनलाइन करने हैं तो आप इवन गूगल पे नॉर्मली लिखो पी वाई uh, क्यू ऑनलाइन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एंड यू नो यू कैन प्रैक्टिस इट ऑनलाइन ऑल्सो बिकॉज एग्जाम इज एनी वेज ऑनलाइन आजकल तो यू शुड यू नो वेन यू आर प्रिपेयरिंग जब आप साइड बाय साइड करो तब आप बुक्स में से करो लेकिन वैन यू आर क्लोजर टू द एग्जामिनेशन मान लीजिए आप जेई मेन ट्वेंटी लिख रहे हैं तो डिसंबर के बाद या

Solving point number four notes. ये नोट सिर्फ पीवाई क्यू की एक अलग से छोटी सी नोटबुक बनाओ एंड उसमें पीवाई क्यू के टॉपिक वाइज आप अपने हिसाब से आप अपने नोट्स में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आ, मैं इसको अपने नोट्स में ही करता था बट आप अलग से भी नोटबुक बनाइए तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहती है एंड माई ओपिनियन बट आई एक नोटबुक मेंटेन कीजिए जहां पर आप अपनी सारी गलतियां पी वाई की लिख रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मुला आपको लग रहा है तो आप उसको लिख रहे हैं एंड दिस इज नॉट समथिंग जो आपको रट्टा मारनी है दिस इज जस्ट टू सो दैट यू नो यू राइट डाउन योर मिस्टेक्स एंड यू डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स एंड यू आर डूइंग दो क्वेश्चन अगेन या फिर जैसा मैंने रिपीटेशन रेपिटेशन वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जब वो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस आप एक सिमिलर गलती ना करो तो ऐसी एक शॉर्ट नोट्स की नोटबुक आपको रखनी जरूरी है पॉइंट नंबर फाइव डू नॉट पैनिक पीवाई क्यूज एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको रियलिटी चेक जरूर देता है बट बहुत सारे लोग इसको नेगेटिवली देखते हैं बहुत सारे लोग इसका स्कोर कैलकुलेट करते हुए घबरा जाते हैं लोग सोचते हैं कि यार हमारे लिए जेई बना ही नहीं है ऑनेस्टली ट्रस्ट मी एवरी टॉपर वॉज वंस अ बिगनर अगर आप इस मेंटेलिटी से जेई को अप्रोच करेंगे एंड पी क्यूज को अप्रोच करेंगे तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं होंगे एंड आपको होने की भी जरूरत नहीं है अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं हो सकता है आपसे सारे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे स्टार्टिंग में पढ़ने के बाद चैप्टर आपको पैनिक नहीं करना है यू हैव टू सिट बैक रिलैक्स कहां हो रही है कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी ले लें ऐसे क्वेश्चन को कभी फिर से गलत ना कीजिए ठीक है सो so, गलत हो रहे क्वेश्चन मार्क्स नहीं आ रहे हैं पी व्यूज में स्कोर नहीं बन रहा है आई नो ऑल

मेरी मानो तो हर संडे आप ऑलरेडी चालू कर सकते हो एक फुल टेस्ट देना आपका जिस भी सिलेबस का लेवल अभी आप जिस पे भी पहुंचे हो क्योंकि आ, ये आपको बताएगा एंड आपको एक अगेन एक एक सच्चाई के सामना सामना करवाएगा कि यार कितना सिलेबस मेरा पेंडिंग है क्यों वो पेंडिंग है जो सिलेबस हो भी गया है उसमें क्या गलतियां हो रही हैं संडे को बैठो या फिर अगर संडे को आपकी क्लास होती है तो एक वीकडे पकड़ो उस पर बैठो एंड जस्ट सॉल्व दिस पेपर लाइक अ नॉर्मल पेपर जेई मेन्स का स्पेशली एंड फाइंड आउट योर स्कोर स्कोर से घबराओ मत उस स्कोर को धीरे धीरे